ओम शांति। संगठन में सबके साथ चलने के लिए पुरुषार्थ, इस विषय पर समय समय पर बाबा ने जो समझाया है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसका चौथा पार्ट कर रहे हैं। 9 जनवरी 1995 को बाबा कहते स्नेह के सागर हैं, तो क्रोध कहां से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। वो रॉन्ग, रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, उसने भी रॉन्ग किया, आपने भी रॉन्ग किया, फिर उसमें और आप में क्या फर्क रहा? उसने रॉन्ग किया, आपने उसका रेस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया, तो क्या फर्क है बताओ? कोई फर्क नहीं। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना? स्नेह देना। वो 10 बारी करे तो आप 1 बारी तो क्रोध करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे भाई जी। नहीं करेंगे बताओ? नहीं करेंगे तो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? संस्कार दिखा रहा है वो, अपना संस्कार, अपना संस्कार बना लिया उसने बार बार क्रोध करके। तो इतनी सहन शक्ति है तुम्हारे पास या उसने 10 किया आपने 5 तो किए, आधा तो किया, कोई अर्जा नहीं? उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं है, झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा, उस आत्मा का संस्कार, और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर मास्टर, स्नेह के सागर के 9 चयन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है, चाहे कुछ भी हो जाए सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे? लेकिन मास्टर स्नेह के सागर
दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह व्यर्थ नहीं करो। कर सकते हो कि बच्चा पुत्र धोत्रा धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाए। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसे मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, व्यर्थ की परवाह मत करो, परंतु समर्थ बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, March 30, 1998 को बाबा कहते। एक बात में तो मार्क्स ले लेंगे, देश से सेवा में तो मार्क्स ले लेंगे, ये भी अच्छा है, इस खाते में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। दिल से करना, तंग होके नहीं करना। अरे क्या करें, ये तो तंग करके रखा है, ऐसे नहीं। कितना भी तंग करें लेकिन आप हर्षित रहना, प्यार से कहो आओ बहने, आओ भाई, क्या चाहिए, ठीक है ना, या नहीं नहीं अभी नहीं। भले चीज नहीं दो, चीज देने की नहीं है, नहीं दे सकते हैं तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो दे सकते हो ना, मीठे बोल भी आधी चीज मिलने का अनुभव करा देते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, जाओ जाओ, ऐसे नहीं। हां जी करेंगे, देखेंगे, देंगे, दे तो ले लो, चीज तो भले नहीं दो। संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा तो चीज भी आ जाती है। बाप दादा ने देखा है, अगर कोई भी स्टॉक वाले की दिल है कि मुझे ये करना है ही है, पता नहीं कहां से चीजें ले आते हैं, कहां से स्टॉक भर जाता है। सिर्फ
दिल हो, सिर्फ क्या हो, दिल हो खर्च करने का। छब्बीस अप्रैल 1982 को बाबा ने समझाया सेवाधारी अर्थात बड़ों के डायरेक्शन को फौरन अमल में लाने वाले। लोक संग्रह अर्थ कोई डायरेक्शन मिलता है तो सिद्ध नहीं करना कि मैं राइट हूं, भल आप राइट हो, लेकिन लोक संग्रह अर्थ निमित आत्माओं का डायरेक्शन मिलता है तो सदा जी हां जी हाजिर करना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। ये झुकना नहीं है, नीचे होना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचा जाना। कभी कभी कोई समझते हैं अगर मैंने किया तो मैं नीचे हो जाऊंगी, मेरा नाम कम हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं। मनाना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात स्वमान लेना, तो ऐसे सेवाधारी हो जो अपने मान शान का भी त्याग कर दो। अल्पकाल का मान और शान क्या करेंगे, अल्पकाल का मान और शान क्या करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।